हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि 80 मार्क्स का सीबीएसई एक क्वेश्चन पेपर देता है जिसका आप प्रॉपर एक एग्जामिनेशन देते हो, लेकिन 20 मार्क्स इंटरनल मार्क्स होते हैं आपके, और ये इंटरनल मार्क्स बहुत ज़रूरी है हर उस स्टूडेंट्स के लिए जो रिटेन और एक्टिविटी या इंटरनल मार्क्स को मिला करके ही अच्छे मार्क्स ला सकता है। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि अब ये 20 मार्क्स जो आउट ऑफ 100 है, ये आपको मिलना शुरू हो जाना चाहिए, और जैसे जैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ करते चले जाएंगे और एक्टिविटी की कॉपी में इसको नोट करते चले जाएंगे, आई एम 100% श्योर आपके स्कूल के सभी टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। और अगर आपकी एक्टिविटी कॉपी बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप ये यकीन मानिए कि आपको 20 आउट ऑफ 20 भी मिल सकता है। और लास्ट ईयर पिछले सालों में मैंने देखा है कि जिस बच्चे की बहुत अच्छी कॉपी बनती है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करता है, वो प्रॉपर राइट साइड में अच्छी तरह से उसका प्रोसीजर और तमाम चीज़ें लिखता है और लेफ्ट में उसके फिगर बनाता है और ग्राफ वगैरह लगाता है, तो बहुत वो एक एक्टिविटी की तरह है होती है। तो आप इस आउट ऑफ 20 को मिस मत करिए, और मैं तो सबके लिए कहूँगा कि सभी को 20 आउट ऑफ 20 आपके टीचर्स दें। मैं तो देता हूँ, जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको जरूर 20 आउट ऑफ 20 देता हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट। एक्चुअली मैं वही एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो CBSE की एक्टिविटी लिस्ट में दिया हुआ है, और नंबर वन पर है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फर्स्ट एक्टिविटी है। और जैसा जैसा मैं बताऊँ वैसा वैसा आप लिखते जाइएगा, जैसे जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूं वैसे वैसे एक्टिविटी करते चले जाइएगा। अगर मैं आपको ग्राफिकल एक्टिविटी बताता हूं तो आप ग्राफ पर करिएगा, अगर मैं आपको पेपर कटिंग एक्टिविटी बताता हूं तो आप पेपर पे कट करके करिएगा, और लेफ्ट में जो कॉपी के ब्लैंक वाला पेज होता है उसमें पेस्ट करते चले जाइएगा, और जब भी स्कूल रीओपन हो तो अपने टीचर से आप चेक करा लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसको इंटरेस्ट लेके करें थोड़ा सा, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के करने से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनने लगते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट एक्टिविटी इज फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये देखिए, मैंने इसको प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, फोटो में इधर लगा देता हूँ। अब डिस्कस करता हूँ आपसे ये इस तरह से। मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर वन, कॉम्पिटेंसी आपका क्या टेस्ट हो रहा है इसमें, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपका एप्लीकेशन ऑफ स्किल, जो आपके अंदर स्किल है कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ टू कट द पेपर, हाउ टू पेस्ट द पेपर, क्यों कट कर रहे हैं, और ये किस क्वेश्चन में एक्टिविटी अप्लाई हो सकती है। सो प्लीज़ बहुत सीरियसली देखिएगा, और बहुत सिंपल है, सब बच्चों को बनने लगती हैं। और अगर आपको जिस तरह से हम लोग एक्टिविटी का एग्जामिनेशन लेते हैं CBSE के पहले, तो आपको दो एक्टिविटी दी जाती हैं और एक कॉपी दी जाती है। आपसे कहा जाता है ये आपका ग्राफ रखा है, ये आपका सामान आप लेकर के आए हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, अब आप चलिए ये एक्टिविटी करिए। तो ये आपको करना पड़ती है स्कूल में। अब स्कूल खुले नहीं है इस समय, और उम्मीद भी अभी ऐसी कम लग रही है, तो आप प्लीज़ इनको अपने घर पर करिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए कि सर हमको ये एक्टिविटी आने लगी है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको फर्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट हेडिंग आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो जब आप फर्स्ट हेडिंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा कि उस ऑब्जेक्टिव में ऐसी कोई चीज़ ना छूट जाए जिसकी वजह से आप एक्टिविटी ये कर रहे हैं, वो करने वाला काम आपका ऑब्जेक्टिव में ही आ जाना चाहिए। क्या काम करना है आपको? टू ऑब्टेन द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाई ग्राफिकल मैथड। क्या टेस्ट करना है आपको एक्टिविटी में? कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंसिस्टेंसी तीन तरह से टेस्ट होती है। पहला होता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। दैट मीन्स समझ गए आप, होता तो है यूनिक सॉल्यूशन, बट प्लीज़ इसमें नेचर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो देखो कंसिस्टेंसी आ गई कि नहीं, क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। अब दूसरा आपका आता है इसी से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, बट नॉट, ये तो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। बताओ बेटा कौन सी
कंसिस्टेंसी आएगी, यहाँ पर आएगी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो अब आपको दो चीज़ों की कंसिस्टेंसी पता चल गई, इनकंसिस्टेंट मैं छोड़ देता हूँ, पता है आपको, नो प्रॉब्लम। अब जिनमें तीनों केसीए इक्वल होते हैं, तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, कौन कौन से, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो बेटा वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा देखो, अब दो चीज़ों में कंसिस्टेंसी आ गई आपके पास, कौन कौन सी चीज़ में आ गई बताओ। पहले आ गया यूनिक सॉल्यूशन वाले में, यहाँ जहाँ सॉल्यूशन है, जहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ कंसिस्टेंसी होगी, और जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंसी होगी। ऐसा ही हमको इस एक्टिविटी में टेस्ट करना है, चेक करना है, अंडरस्टैंड। तो मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, तो अब इसमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको, दूसरी हेडिंग आप ये डालेंगे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स आपको अच्छी तरह आता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, इस तरह से एरो मार्क करते हुए, बिल्कुल कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, और ये जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसको ओ बना देंगे। और ग्राफ पेपर क्योंकि आपके पास होगा, तो हर यूनिट पर आप इस तरह का मार्क लगा दीजिएगा, ताकि आपको, कुछ बच्चे 1 2 3 भी लिख देते हैं, लेकिन 10th क्लास के बच्चे से हम ये होप करते हैं कि उसे ये सब आता होगा, इसलिए 1 2 3 ना लिखे तो अच्छा है, लिख दे तो और भी अच्छा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको हर हालत में इतना फॉर्मेलिटी कर लेनी है, ये देखिए एक्स, ये देखिए एक्स डैश, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। अब आपको इस पर कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करना हो, तो वो आपने कहाँ से सीखा, 8th क्लास में भी सीखा, और 9th में तो बहुत ज़्यादा सीखा है आपने। तो फर्स्ट हेडिंग हो गई ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गई प्री रिक्विजिट नॉलेज, थर्ड प्रोसीजर पे आ जाइए अब। लेकिन नहीं, एक चीज़ और आप भूल रहे हैं, ये राइट साइड में यहाँ देखो, ये देखो, आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, व्हाट मटेरियल्स रिक्वायर्ड। 3 ग्राफ पेपर्स लेना है आपको, एक रूलर होना चाहिए आपके पास, और एक छोटी सी पेंसिल होनी चाहिए। अब छोटी का मतलब इतनी नहीं कि पकड़ में ही ना आए, है ना, एक पेंसिल होनी चाहिए इतनी कि उसकी ग्रिप अच्छी बन जाए। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखते हैं कि द फर्स्ट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड होना चाहिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियसली इक्वेशन, अंडरस्टैंड। तो मैंने अपनी तरफ से दो इक्वेशन आपके लिए लेट करके दिए हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों इक्वेशन हमारे क्या इस फॉर्म में है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, नहीं है। प्लस 3 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 5 को यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब साइमल्टेनियस दोनों लिखना है, और फिर दो इक्वेशन ये कंसीडर करना है। अब इनको हम कैसे प्लॉट करते हैं, और प्लॉटिंग करने के बाद कैसे पता लगाते हैं कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, अभी बस 10 से 15 मिनट के अंदर ये एक्टिविटी हो जाती है। सो टेक द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या करना है आपको, ऑब्टेन ए टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस, फाइंड एट लीस्ट 3 सच पेयर ऑफ फॉर ईच इक्वेशंस। अब देखो यहाँ 9th क्लास में NCERT खुद कहती है मिनिमम 2 सॉल्यूशन आप ढूंढ लीजिए एक टेबल बना के, और एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो। लेकिन मुसीबत तो तब आती है जब वो राइट में आपका, राइट हैंड साइड में आपका फ्रैक्शन आने लगता है, इसलिए इन्होंने कहा कि फाइंड एट लीस्ट 3 सच पेयर फॉर ईच इक्वेशन। मैं अभी भी कहता हूँ 2 ले लीजिए, दो सॉल्यूशन में आपका काम हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर उसने क्या किया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 में सबसे पहले x की वैल्यू क्या रख दी, 0। ये देखिए अगर ये x 0 हो गया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 3 में माइनस 1 आ जाएगा। तो एक पेयर आपका ये हो गया 0 माइनस 1, इसको कॉमा रख के ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर के थ्रू बना के रख सकते हो। दूसरा आपने क्या किया, x की वैल्यू 3 ले ली, तो देखो 3 टू जा 6,
अब प्लस सिक्स जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस सिक्स, तो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री बचेगा, माइनस थ्री अपॉन थ्री करके कैंसिल हो जाएगा तो ये वन आ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। चलिए मैं यहीं पर आपको सिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने आपके ये दो निकाले, तीसरे को आप खुद दिमाग से लगाइएगा और सोचिएगा कि ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। जीरो कॉमा माइनस वन को डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ है और माइनस वन पर जाओगे, बताओ कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। वाई की वैल्यू माइनस वन देखो यहाँ आई है, ये रेड वो भी है, रेड मेरा भी है ना। दूसरा है थ्री वन, एक्स की वैल्यू थ्री है और वाई की वैल्यू वन है, ध्यान से देखो, ये हो गया वन, ये हो गया टू और ये हो गया थ्री, लेकिन अब यहाँ से हमको वाई एक्सिस पे जाना है, ये देखिए ये हो गया आपका थ्री वन, और जो इससे पहले मैंने कौन सा बनाया था याद है, जीरो कॉमा माइनस वन। लो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो गया, स्केल उठाइए और स्केल उठा करके ये रेड लाइन आप लगा दीजिए। बस एक काम और करिए जो मैंने इसमें नहीं कर पाया है, इस लाइन के ऊपर यहां पर ये इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, राइट, बिल्कुल लिखिएगा। ये हैबिट अभी बोर्ड एग्जाम में काम में आएगी आपके, फिर ठीक है ना, जब वहां कहता है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। सेकेंड इक्वेशन था हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, वैसे ही आपने ये समरी या टेबल बनाई और इस टेबल को बना के सबसे पहले आपने x की वैल्यू क्या रखी, माइनस वन। थोड़ा सोच के रखना है, ऐसी वैल्यू रखना है कि जिसमें फ्रैक्शन ना आए या डेसिमल जैसा कोई ना आए या रिपीटिंग नंबर आने लगे डेसिमल के बाद, तो फिर ग्राफ में आप ही को मुसीबत होती है। इसलिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपका फ्रैक्शन और डेसिमल में बात ना बने। माइनस वन है देखिए, तो x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, जब माइनस थ्री इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस थ्री, तो फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा, तो फोर टू जै एट कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा तो इस वजह से ये माइनस टू आ जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आया आपका माइनस वन और माइनस टू, देखो बेटा ये माइनस वन और माइनस टू, चलिए माइनस वन ये हो गया, माइनस ये आ गया, माइनस वन माइनस टू, ये देखिए एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। सेकंड में उसने देखिए ना प्लस टू लिया ना माइनस टू लिया ना प्लस फोर लिया ना माइनस फोर, देखिए माइनस फाइव लिया, क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू रखने पर प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर रखने से फ्रैक्शन बनता था। तो देखिए एक्स की वैल्यू माइनस फाइव, थ्री जै फिफ्टीन हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन के साथ ये ट्वेंटी हो जाएगा, फोर फाइव जै ट्वेंटी, तो वाई की वैल्यू भी माइनस फाइव आ जाएगा। दोनों को प्लॉट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव लेके चलते हैं, वन टू देखिए रेड रेड पॉइंट, थ्री फोर माइनस फाइव हो गया, अब फिर माइनस फाइव वाई एक्सिस पे जाना है तो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, वाई तो ऊपर प्लस होता है तो क्या करेंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, बेटा ये हो गया माइनस फाइव और कॉमा माइनस फाइव, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, फर्स्ट एक्स की वैल्यू के लिए सेकेंड वाई की वैल्यू के लिए। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को लगा के इतनी लंबी लाइन खींचिए, इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करिए कि ये दोनों एक्सिस को क्रॉस करती हुई निकल जाए, और ये इक्वेशन जिसने ये लाइन दी है, कौन है ये इक्वेशन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, इस पर लिख दीजिए, ब्यूटीफुल। अब बताइए आपने दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ कर दी प्लॉट द पॉइंट्स करने के बाद, जैसे ही आपने ग्राफ पर ये पॉइंट्स सभी प्लॉट कर दिए तो आपको ऑब्जर्व करना है। अब पहला पॉइंट है, फोर्थ नंबर पे आ गया मैं, ऑब्जर्व इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब आपको ये देखना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या दोनों लाइन पैरेलल हैं या दोनों लाइन कोइंसिडेंट, यानी ये एक के ऊपर एक लाइन, कैसे, आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे तो आप यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर देयर इज कंसिस्टेंसी इन दिस इक्वेशंस। लेकिन आप ए वन अपॉन ए टू का रेशियो भी यहां पर लाके रखिए, ये देखिए ए वन हो जाएगा टू और ए थ्री हो जाएगा थ्री, देखो टू अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू ले माइनस थ्री और माइनस फोर, माइनस थ्री एंड माइनस फोर,
जैसे ही हम माइनस माइनस इसको प्लस बनाएंगे तो आप क्या बोलोगे, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन नेचर कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, कैसा होगा, कंसिस्टेंस, यही पता लग गया आपका। चलिए ये फोर्थ पॉइंट तक आते आते आपने इन दोनों इक्वेशंस का ये पता लगा ले, कंसिस्टेंसी का पता लगा लिया है, ये कंसिस्टेंट है, आगे क्या हो सकता है, अब आगे आपकी बारी है। अब आप एक काम करिए, टेक द सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू, अब आपकी बारी है। याद रखिएगा मैंने एक ग्राफ बना दिया, अब आपको जो मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड में तीन ग्राफ बताए थे, तीन में से अब आपके पास दो बचे, एक मैंने बनवा दिया और मेरी कंसिस्टेंसी में क्या निकला, उसमें कंसिस्टेंट। इसमें देखिए ये इक्वेशन कहता है 6x plus 10y is equal to 4, 3x plus 5y is equal to minus 11, वैसे ही टेबल बनाइए, ये देखिए ऐसे, करेक्ट, फिर ग्राफ पेपर पर दोनों को प्लॉट करिए x एक्सेस और y एक्सेस के साथ, अंडरस्टैंड, और वो जो ग्राफ बनाया है आपने अपने पीछे अभी अभी, उसको आप अपने लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेज होता है एक्टिविटी कॉपी में, उसमें पेस्ट कर देना। ऐसे ही आप इन दोनों की टेबल बना करके इसको भी प्लॉट करेंगे, फिर इसको आप कहाँ टेस्ट करेंगे, ध्यान से देखो, पहले वाले केस को ए वन अपॉन ए टू निकाला, बी वन अपॉन बी टू निकाला, जब ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो, इक्वल नहीं हुए तो बताइए लाइन कैसी थी, यहाँ इंटरसेक्टिंग थी कि नहीं थी, बात समझ गए कि नहीं। फिर इसको आप चेक करिएगा, चेक करने के बाद इसको देखिएगा क्या लाइन इसकी पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। ऐसे ही मैंने आपके लिए रिपीट द स्टेप फ्रॉम 2 to 4, जो आपने पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए किया वैसा ही आप इनके लिए करते जाइए और ये ग्राफ कंप्लीट कर दीजिए। अब इसमें लाइन पैरेलल आए, समझ में आया, तो नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और लाइन अगर कोइंसिडेंट आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मींस कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ऐसे ही मैंने एक थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है तो तीसरा ग्राफ का टुकड़ा काम में आ जाएगा। तो अब आपके लेफ्ट और राइट साइड में कितने, लेफ्ट में कितने ग्राफ पेस्ट हो गए, दो, एक वो यूनिक वाला और एक ये, क्या आएगा आई डोंट नो, आप बना के देखिएगा, एक्टिविटी आपको करनी है। और तीसरा इक्वेशन मैंने आपके लिए ये दिया है पॉइंट नंबर 7, थर्ड पेयर, इसको भी आपको सेम प्रोसेस करना है, रिपीट द स्टेप फ्रॉम 2 to 4, कि सभी की टेबल बनाइए, टेबल बना के ग्राफ पे प्लॉट करिए, फिर इस टेबल को आपको 9 नंबर की टेबल को फिलअप करना ऑब्जर्वेशन से। जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो इसका देखो, यहाँ लिखो ए वन अपॉन ए टू, यहाँ लिख लो बी वन अपॉन बी टू, यहाँ लिख लो सी वन अपॉन सी टू, यहाँ लिख लो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान से देखना, तो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, एक और बना लेना पॉइंट। फिर पैरेलल अगर आए तो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू से पेयर से कंपेयर करो, अगर ये पैरेलल आए तो क्या लिख देना, इनकंसिस्टेंट, मेरी बात समझ गए। थर्ड में अगर आपका ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू तीनों इक्वल आए, तब आप क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। अब बताइए इतनी कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी इतने बार करने के बाद, इस एक्टिविटी के करने के बाद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा, अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। ये मैंने बता दिया आपको कि आपको इस टेबल पर ऑब्जर्वेशन करना है और फिर आपको सामने उसके रिजल्ट लिखते जाना है, जैसे मैंने वहाँ हिंट में बताए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बस ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द इंटरसेक्टिंग फॉर लाइन्स। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बात समझ लीजिए, कौन लिख देता हूँ डॉट लगा के, कंसिस्टेंट हो गया। और अगर लाइन पैरेलल है आपकी, इंटरसेक्टिंग में क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, और लाइन अगर पैरेलल आए तो पैरेलल में ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो फिर बताओ क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे कोइंसिडेंट लाइन आए, एक लाइन पर दूसरी लाइन बने तो तीनों पार्ट आपके इक्वल होंगे रेशियो के, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे दो, ये और ये आपका, जिसका कोई सॉल्यूशन, वैसे भी किसी प्रॉब्लम का जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है वो बाय नेचर भी इनकंसिस्टेंट ही रहता है,
और जिसके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। मैंने एग्जांपल कई बार दिया है कि तेंदुलकर के पास हर बॉल का सॉल्यूशन था, इसलिए उसका परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट ही रहता था। बात समझ गए कि नहीं? दैट्स ऑल। अब ये पता लगाना है हमको कि इस एक्टिविटी से हमारा क्या लर्निंग आउटकम्स हुआ, हमने सीखा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। द स्टूडेंट विल लर्न द सम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। कब यूनिक सॉल्यूशन? व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सम हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। कब? जब लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। एंड सम हैव नो सॉल्यूशन। कब? जब व्हेन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। दिस इज द लर्निंग आउटकम्स कि भैया जब हमारा एक लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो हम उस कहेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, बट हमारा कैसा होगा नेचर? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जब हमारी लाइन पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट थोड़ी करती है, वो तो पैरेलल चली जाती है। जैसे दो लोग नाराज हैं और एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे हैं, तो बताओ कभी भी उनकी नाराजगी का सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? या तो इंटरसेक्ट हो जाए, बातचीत कर लें, या फिर पूरा एक दूसरे के साथ में रहने लगें तो अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, अब आप इसका लर्निंग आउटकम्स भी लिख लेना। रिमार्क आप लिखें चाहे ना लिखें, रिमार्क्स मैंने इसलिए ये डाल दिया क्योंकि CBSE ने दिया था कि सभी टीचर्स भी इसको देखेंगे तो वो भी समझ जाएं कि बच्चों में आखिर किस तरह से ये चीज़ जानी चाहिए। रिमार्क नंबर वन कहता है द टीचर विल एक्सप्लेन दैट व्हेन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन वेदर यूनिक और नॉट द सिस्टम इज सेट टू बी कंसिस्टेंट व्हेन द सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इट इज सेट टू इनकंसिस्टेंट। देखो वही बात कही कि नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट है रिमार्क का टीचर्स के लिए द टीचर में कंसिडर एडिशनल एग्जाम्पल्स। अब टीचर कंसिडर करेगा एडिशनल एग्जाम्पल इनके अलावा, वो तो टीचर्स तो सीधा कहेंगे कि बेटा बोर्ड में इस तरह का एग्जाम आता है, सॉल्व ग्राफिकली। बात समझ गए कि नहीं? तो टीचर को भी हेल्प मिल गई कि जब 80 मार्क्स का वो एग्जाम देने जाएगा तो 4 मार्क्स का आता है, दो इक्वेशन लिखे होंगे सॉल्व ग्राफिकली, दो टेबल बनाइए प्लॉट करिए। और बहुत से बच्चे चोरी भी करते हैं, पहले क्या करेंगे कॉपी का पन्ना पलटेंगे, पीछे चले जाएंगे और सीधा एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो दोनों वैल्यू टेबल में डाल देंगे। टेबल में डालेंगे तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो बस वो उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। आप मत करना प्लीज, समझ में आया ना? ये मत बोलना सर अच्छा रहा आपने बता दिया कि पहले सॉल्व कर लो और अगर वो सॉल्व हो गए और दो वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन एरेक्शन नहीं आया और वैल्यू एक्स की वन या वाई की टू ऐसी आई तो अपनी टेबल में पहले ही 1 2 रख लिया, बाद में एक जीरो 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 ले लिया कुछ करके। ऐसा करते थे कुछ बच्चे, हम लोग तो चेक करते हैं बहुत सी चीज़ों को तो पता चल जाता है। सो प्लीज़ अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि स्कूल 2000 में से 20 मार्क्स आपको देने वाला है और वो 20 आप मिस मत करिए, जरूर ले लीजिए। इतना अच्छा काम करिए, फर्स्ट क्लास कॉपी बनाइए, अच्छी बढ़िया कवर लगाइए, कवर के ऊपर बहुत अच्छा मैथमेटिकल डिज़ाइन बनाइए, अपनी नेम स्लिप लगाइए और एक्टिविटी कॉपी बना लीजिए क्योंकि 20 मार्क्स आपके हाथ में है अगर आप चाहें तो। लेकिन मिलेंगे कब? जब आप एक्टिविटी कॉपी बनाएंगे और अच्छी तरह से एक्टिविटीज़ करेंगे। तो 3 ग्राफ का खर्च है, 1 कॉपी का खर्च है और आपके दिमाग का है, जो आपको करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।